हाँ भाई, तो आज संडे है और हम जा रहे हैं कैडेट कॉलेज, क्योंकि संडे एक पेरेंट डे होता है। जितने भी बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं उनकी फैमिली जो है संडे पे स्पेशल उनसे मिलने जाती है। तो वैसे ही हम भी आज जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने दोस्त शफीक अबासी के छोटे भाई से मिलने, जो वहाँ पर स्टडी करते हैं। हाँ भाई, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं कैडेट कॉलेज। अंदर जाके आपको कुछ इसके अलग से नज़ारे देखेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे नज़ारे, व्यूज कुछ देखे होंगे, जो सीनरी देखी होगी, और इसमें आपको भाई कुछ अलग ही देखेंगे। अभी हम एंटर हुए हैं कैडेट कॉलेज में। मेरे साथ हैं शफीक अबासी, जो अभी गए हैं सिक्योरिटी चेकअप पे, तो वापस आ गए। अब चलते हैं अंदर। उनके अलावा मेरे साथ हैं वसीम अब्बास कहरी साहब, आपने तो देखा ही है पिछले वीडियो में, और उनके अलावा यासिर अली पार्किंग एरिया। हाँ भाई, तो पहुँच गए कैडेट कॉलेज। हाँ भाई, तो दिस इज़ वी आर इनसाइड कैडेट कॉलेज एंड दिस इज़ माई सेकेंड टाइम बीइंग हियर। तो आई वांट टू शो यू द डिफरेंट थिंग्स दिस टाइम getting inside the cafeteria area. Aapna naam batao. Arsalan. Haan. Kaun se class mein? 9th. Kitne saal ho gaye yahan pe? 3 saal. Ye padhai video. Aapko yahan pe study ke saath saath discipline bhi mil raha hai. और उसके अलावा और क्या क्या स्पोर्ट्स? अच्छा, कौन कौन से स्पोर्ट्स में आप हिस्सा लेते हैं यहाँ पे? कौन कौन, मतलब यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्ट्स में आप खेली खेला क्या? बाकी फुटबॉल और बैडमिंटन। यार ये मैं भी खेलता हूँ वहाँ पे। आपको कौन सी गेम में महारत ज़्यादा है? बैडमिंटन में महारत। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? एक नहीं ना बैठी हूँ यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? तो आए ना साईं, आए साईं, आए नहीं आए यार? आप भी आप लोग बात करें, हम सुन रहे हैं। इसको जो है ना रिकॉर्डिंग का हो गया है। आ जाए इधर, आ जाए, आ जाए, साथ में बैठ के बात करते हैं। ठीक है, नहीं आएंगे फिर वो जिद्दी एक कसम। यार एक बात मैं आप सबको बता दूँ, आप सब ने असगर पोस्टर देखा होगा ना? ये इसकी, ये बंदा जो है ना, इसकी मुझे डुप्लीकेट कॉपी लगता है। तो ये शफीक भाई की मेहरबानी है जिसके साथ हम यहाँ रोज़ रोज़ आते हैं। जो सिलेक्ट करता है तो हम उसके साथ ही नहीं पढ़ते। और अपने दोस्त शफीक की तरफ से हम सबके लिए चाय हाजिर हो चुकी है। बाकी तो सब दोस्त पी रहे हैं, मैं भी पी रहा हूँ। इनका बिल शफीक खुद पे करेगा, ये ना जो इसका बिल आप खुद पे करोगे ना? और भी अच्छा प्यार रहेगा यहाँ। क्या कुछ मंगा के आया? भूख लगी है बहुत, पानी भी नहीं खाना है। पानी पानी पूरा खा लिया। बस आप ये असान यूट्यूबर बटन मिटन लग दिया ना, बन जाओ यूट्यूब बनने का बहुत शौक है ना आपको? इरादा है चिल्ले पे जाने का? इरादा है रायगढ़ चिल्ले, चिल्ले पे जाऊँगा इंशाल्लाह। 40 दिन का चिल्ला तबली के हवाले से। कब जा रहे हो? 40 दिन के चिल्ले पे जाकर बिल्ले को लेकर जाना। हाँ, इरादा किया है। ये तो उधर शुरू हो जाएगा, ये अपनी यूट्यूब के एडवर्टाइजमेंट करने में लग जाएगा। यार बहुत ज़बरदस्त है आपकी जो ये बात है ना, मुझे बहुत पसंद आई। तो कब जा रहे हो? इरादा किया है, पता नहीं कब जा रहा हूँ। इरादा किया है शुरू करो ना, प्लानिंग बनाओ ना कब जाने। छुट्टियाँ नहीं मिल रही ना, जब छुट्टियाँ मिलेंगी तो इंशाल्लाह जाऊँगा। फिर नंबर कौन सा है? उर्दू में बताओ ना। 1865। ये तो इंग्लिश में बता दिया। एक ये बच्चा है और एक ये बच्चा है, ये दोनों यहाँ पढ़ते हैं और इनसे हम मिलने के लिए हर एक के यहाँ हमारे हफ्ते में जरूर आते हैं। अच्छा, अपनी खूबसूरती का कोई राज बताएं, क्या करते हैं? मेरी खूबसूरती माशाल्लाह बहुत चमक रहे हैं आप। मैं बताऊँ कि खूबसूरती का तो आपको ज़रूर पता ही होगा, सिर्फ एक ब्लेड, एक सेफ्टी और क्लीन। सही सही बताएं, कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं आप? कोई भी नहीं। हाँ भाई, तो ये कैफेटेरिया है, यहाँ पे हम बैठे हैं कोई बस बातचीत के लिए, चाय की चाय ये इधर पड़े हुए हैं। कब फिर आप कुछ व्यूज दिखाएंगे यहाँ लारकाना के लोगों के लिए? यहाँ पे कार रेंट की सहूलत मौजूद है, आपको मैं दिखाता हूँ एडवर्टाइजमेंट।
लार्कन एंड फ्रेंड अफान। कॉन्टेक्ट नंबर भी लगा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इससे अब चलते हैं बाहर के कुछ व्यूज लेने। अब क्या प्रोग्राम है? कैडेट कॉलेज। यू आना मेक मी विजिट कैडेट कॉलेज। और ये क्या चीज़ बनी हुई है? फिर भी मुझे तो मज़ा लग रहा है। इधर आने के बाद मुझे लग रहा है मुझे अपने बच्चों को ना इधर ही पढ़ाना पड़ेगा। फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ। हाँ यार, मैं कैडेट कॉलेज लाड़काना हो या कैडेट कॉलेज पेटार हो, ऐसी कोई कॉलेज हो, मतलब शादी से पहले आपने बच्चों का सोच लिया है कि क्या करना है? क्या है इनको देख के फिर मैंने ये सोचा है कि इधर शरीफ है, देखो ना ये मासूम मासूम। हाँ, घर में बहुत शरारती होते थे, घर में बहुत शरारती होते थे, तो यहाँ पे सुकून से बैठे हैं, कितने मासूम लग रहे हैं। अब इनको एहसास भी हो रहा है। भाई यहाँ पे सब लोग जो है ना फोटो निकाल रहे हैं, आप देखो मेरे पीछे, फोटोग्राफी की शौकीन है सब, क्या करें। हाँ भाई, तो हम घूम रहे हैं इनसाइड कैडेट कॉलेज। इस बार तो मेरे साथ काफ़ी दोस्त हैं, अगली बार सिर्फ एक था शफीक तबासी और दूसरा उसका भाई मुश्ताक, इस बार तो और दोस्त भी हैं और ये बच्चे भी हमारे साथ हैं जो यहाँ पे स्टडी करते हैं। एक छोटा सा वाइट ड्रेस में आप देख रहे हैं मुजम्मिल, और दूसरा है अरसलान, आप देख रहे हैं ये कमानो ड्रेस में। ये जो अरसलान है इसने ये ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि इसकी रिसेप्शन पर ड्यूटी लगती है, क्योंकि संडे पे जो है ना कुछ स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगती है रिसेप्शन पे। वो जब भी कोई पेरेंट्स आते हैं किसी बच्चे से मिलने, तो ये रिसेप्शन पे जो बच्चे बैठे होते हैं ये उनसे जाके मिलते हैं, उनसे नाम पूछते हैं, उनका नंबर वगैरह पूछते हैं और जाके उस बच्चे को बुला के लाते हैं। आप देख रहे हैं फोटोग्राफी किस हद तक लोगों को पसंद है, कितनी लगन से फोटोग्राफी करते हैं और अपने जो है ना तरह तरह के पोज देते हैं। अब मैं करने वाला हूँ इनके साथ कुछ जोक्स, तो आप सुनिए और हंसिए। हाँ भाई, तो ये देख लीजिए, इन्होंने एक दरख्त हाथ किया है जिसके पास में खड़े होकर ये पोज दे रहे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ नज़दीक से ये। Taking photos and enjoying you. I have been making this video for all of you. कितना खूबसूरत तरीके से ये बना हुआ है? पता नहीं, मेरे ख्याल से नारियल का है। नारियल का तरह का तो नहीं होता, तो उसका होगा पाइनएप्पल का होगा। ये नारियल का है ना, यहीं से देख के आप अंदाजा लगा सकते हो ये नारियल का है और वो पाइनएप्पल का है। तो वहाँ जो आज तक गीला गीला थी इन शे में हाथ टच करना था, पर आपके कहने का मतलब है ये जो चीज़ है तो हाथ लगाने के बाद गीला गीला हो जाता है यार। भाई यहाँ पे जो है ना बहुत सारे व्यूज हैं, बहुत सारी खूबसूरती है, काफ़ी के व्यूज देख लिए हैं। अब जा रहा हूँ दूसरी तरफ यहाँ से, क्योंकि शफीक और वसीम उससे अलग हो गए हैं, जहाँ पे वो गए हैं मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने चश्मा लेने के लिए इतनी मेहनत की है, तो ये जो हमारा दोस्त है ना अब्दुल खालिक, इसको हो गया है रिकॉर्डिंग का, तक एक दो दिन इसको मजा ही नहीं आता। हीरो लग रहा हूँ? नहीं भाई, आप तो बिल्कुल हीरो लग रहे हैं मद्रास। यहाँ पागल पागल नहीं लग रहे, आप हीरो लग रहे हैं मद्रास। मैं तो सोच रहा था मैं हॉलीवुड का हीरो लग रहा हूँ। भाई अल्लाह पाक का करम है, जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो एक तो गर्मी तो होती है पर मौसम जो है ना क्लाउडी वेदर बन जाती है, और उसके अलावा थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती है कहीं पर भी। एक्चुअली हुआ ऐसा है कि गुजरे दो या तीन मंथ से जब भी जहाँ भी मैं घूमने गया हूँ ना वहाँ पे ज़रूर बारिश हुई है, पर बारिश पहले नहीं हुई, बारिश बाद में हुई है जब हम वहाँ से वापस आते हैं। तो इस बार भी वेदर तो क्लाउड हो गई है, पर जब पिछली बार मैं यहाँ आया था तो यहाँ पे बारिश नहीं थी, यहाँ से होके जब वापस अपने गांव पहुँचे तो वहाँ पे बारिश चल रही थी। तो इस बार भी वेदर जो है क्लाउडी बन गई है,
हो सकता है यहाँ पे बारिश हो जाए या ना हो, वो तो नसीब की बात है। इनसाइड कैडेट कॉलेज हमने बहुत घूमा, इंजॉय किया, फोटोग्राफी की और उसके अलावा अब वैसे तो कॉलेज इतनी बड़ी है कि पूरी हम वैसे थोड़े टाइम में घूम नहीं सकते, ठीक है ना। जितनी बस थोड़े व्यूज़ कुछ लिए, थोड़े इंजॉय की, थोड़ी डिस्कशन की, फिर दोस्तों से गुफ्तगू की, बातचीत की, थोड़े जोक पोस्ट किए और उसके अलावा जो फोटोग्राफी थी वो की मैंने अपने लिए, मैंने अपने लिए थोड़ा काम किया, थोड़े वीडियोज़ बनाए, ठीक है। अब हम जाएंगे शायद वापस, कुछ जो खाया पिया हुआ मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिखाया, सिर्फ एक कप चाय का दिखाया, ठीक है ना। उसके अलावा आप जो कुछ अगर खाएंगे पियेंगे तो आप शायद आपको दिखाऊँ या ना दिखाऊँ उसका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बाकी इसके बाद हम जाएंगे वापस फिर अपने काम से और फिर इस वीडियो को एडिट करूँगा और उसके बाद सेटिंग करके अपलोड करूँगा आप सबके लिए, आप सब देखेंगे। मैं चाहता हूँ आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, उसके कमेंट ज़रूर दें। आप मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैं वीडियो में कैसा बना रहा हूँ, कैसा लगा, क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे वीडियोज़ में, ठीक है ना। वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं अपनी वीडियो क्वालिटी, वीडियो एडिटिंग या वीडियो में जितना भी काम कर सकूँ वो मैं इंप्रूव कर सकूँ, बेहतर बना सकूँ वीडियोज़। यार ये कॉलेज देखें, मैं भी सोच रहा हूँ कि ना मैं भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग करूँ, जब मैं शादी करूँ, बच्चे होने के बाद मैं भी सोच रहा हूँ कि ना अपने बच्चों को इस कॉलेज में, मतलब आप समझ रहे हैं ना, पढ़ाऊँ, स्टडी कराऊँ। क्योंकि जो सबसे पहली चीज़ होती है ना वो होता है अखलाक और डिसिप्लिन। अगर बच्चे में ये दोनों चीज़ें आ जाए ना तो माशाल्लाह कामयाब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता और कामयाब हो जाता है। ये जो टैंक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखी हुई है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। यही लिखा हुआ है और रहा ऊपर। अभी जो है ना भाई बहुत टाइम हो गया है, बहुत देर हो गई है, हमें कुछ काम भी करने है, वापस भी जाना है और मेरे जो दोस्त हैं ना वो अभी गुम हो गए, अभी उनको थोड़ा ढूंढना है। ओह शिट, अबे ये क्या कर रहे हो भूषण? हाँ भाई तो टाइम ओवर हो गया है, मैं तो इनको ढूंढ रहा था पर ये यहाँ पे आके टपक पड़े। चलो अब चलते हैं वापस भैया, चल भाई चल वापस चलते हैं, बहुत हो गया, बहुत रिकॉर्डिंग कर ली, बहुत इंजॉय कर। हाँ भाई तो हम क्रॉस कर रहे हैं अभी लारकाना सिटी से, जाते वक्त हम गए थे बाईपास से पर वापसी में हम लारकाना सिटी से ही क्रॉस कर रहे हैं। अगर कुछ सीन्स हमने रिकॉर्ड किए तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लारकाना बेक बेकरी है अल करीम नाम से, वहाँ से कुछ खाने के लिए लेने जा रहे हैं। अभी हमने ऑर्डर किए हैं पेटीज। पेटीज को पहले इसने ओवन में डाला है, उसमें गर्म करेंगे और फिर हमें पार्सल बना के देंगे। पापा चलियो यूट्यूब पे देखे हैं वीडियो आपने, बड़ी साइज की मीठी स्लाइस। हाँ कौन सी कोल्ड ड्रिंक लेनी पसंद करेंगे आप? ड्यू सही है, मिरंडा सही भी है ना, कल का मिठी है, सही है मिठी का भट करें, मीठे से भाव को दूर यार, मीठे से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है ना। मुझ नॉर्मल एक है ना, नॉर्मल दादा की जितना हो काफ़ी खाने को नहीं करें मीठा। पाइनएप्पल लेनी है, ठीक है। आप इसी मौसम में खा रहे हो पाइनएप्पल? सोनी चीज़ें बनाने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, अपलोड करता है, पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है। Oops.
चलो भाई आ गए गाड़ी के अंदर, अब करेंगे हम अपनी पेट पूजा। लरकाना एक छोटा मोटा शहर नहीं, ये एक डिवीजन है, ठीक है, पूरी एक डिवीजन है, बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, जैसे कि KFC, पिज़्ज़ा हट और इस तरह के मुख्तलिफ रोस्ट वगैरह के जितने भी, मतलब ऐसे किस्म के जितने भी शॉप्स वगैरह होते हैं, फ्रेंचाइज होती हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। जिसने देखा है लरकाना उसको तो पता है, पर जिसे नहीं देखा तो कभी आगे खुद देख ले। अभी हम रुके हैं एक गैस शॉप पे, क्योंकि यहाँ से हमें गैस भरवाना है सिलेंडर में, और उसके बाद अभी हमारे खाने का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। जेंटलमैन हमने खाया सैंडविच, अब एक और चीज की बारी है। अरे ये तो मीठा है ना, अरे ये तो छोटे हैं यार, ये है सॉरी पेटीज। अब वक्त है मेरे खाने का। ये चेहरा आए ना आए, बोतल ज़रूर आए वीडियो में, ठीक है ना। एक लीटर में पूरे 4 गिलास कन्फर्म। सुना है ना टिकटॉक पे एक वीडियो है, डर के आगे जीते। तो यहाँ पे डर कहाँ से आया, बड़ा डर तो तू है। मर्जी है, ये पार्सल बना के रख दो, काम आएंगे। गाड़ी में कम नहीं, 5 रुपए के गिलास भी फेंकने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत। यार एक तो काम खराब हो गया, पता है क्यों? क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जब भी मैं बाहर कहीं भी घूमने के लिए गया हूँ, खास करके इन 2 महीनों में जहाँ भी गया हूँ, तो वापसी में ज़रूर बारिश शुरू हो जाती है। पहले नहीं होती, पर स्पेशली वापसी में शुरू हो जाती है। वैसे ही इस बार भी सीन वही हो गया जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, रास्ते में लरकाना में ब्रेक मारी है, तो यहाँ पर जो है ना बारिश शुरू हो गई है। आपको दिखाता हूँ, ये आपको नजर आ रही है, स्लो स्लो ड्रिजलिंग हो रही है, स्लो स्लो बारिश हो रही है। इतने ऐसी ब्रेक मत मार के मेरा मुंह मोबाइल में जाके लगे। तुम भी केडी भी कोशिश कर ले तो असगर फसो नहीं बन सकता। आजा 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 आजा, नहीं कुछ खिलाते पिलाते भी नहीं, कमजोर। यार मार्च का महीना चल रहा है, अगले साल तो इन दिनों में बहुत गर्मी थी, पर इस बार अल्लाह पाक की रहमत से जो मौसम बन रही है, जो हर 4 दिन बाद बारिश हो रही है ना, मौसम को ऐसा बना दिया है कि माशाल्लाह रात को अभी तक ठंड पड़ती है। दिन को तो ठंड होती है, रात को भी ठंड पड़ जाती है। और इस वक्त हम गाड़ी में बैठे हैं, बारिश चल रही है, वापस जा रहे हैं, गए थे कैडेट कॉलेज, वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो हमें हवा लग रही है ना ठंडी, बारिश की वजह से ठंडी हवा लग रही है, हमें एक्चुअली आप यकीन नहीं कर सकते हमें कितना सुकून मिल रहा है ऐसी ठंडी हवा लगने में। क्योंकि बाकी तो बाद में लगातार 6 महीने जो है बहुत गर्मी होने वाली है, ठीक है। अब जो इंजॉय करना है तो बस यही मौसम है, बरसात की वजह से गर्मी जो है डिले हो गई है। यार इसको खोलो, बंदे खोलो। भाई अभी टाइम हो गया है पाइन एप्पल की पेस्ट्री खाने का, ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। काम खराब हो गया, खाओ और जियो। इनको कहते हैं बड़े बड़े। भाई अच्छी खासी बारिश हो रही है इस वक्त यहाँ, अल्लाह मेहरबान है, जहाँ भी जाते हैं वापस